जमशेदपुर में आज मां दुर्गा को विसर्जन के दौरान विदाई दी गई। वहीं महिलाओं ने सबसे पहले सिंदूर खेला, फिर मां से आशीर्वाद लिया। कई जगहों पर आज मां दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा है और इस दिन बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करते हैं। इसके बाद पंडाल में मौजूद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और इस शुभकामनाएं देती हैं। इस उत्सव को सिंदूर उत्सव या सिंदूर खेला भी कहते हैं। यह मां की विदाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई स्थानों पर नाच गान कर कार्यक्रम भी आयोजित होता है। वहीं महिलाओं ने कहा कि मां से पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं ताकि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। हम सिंदूर खेल करते हैं। ये हम लोग का सुंदर नगर सार्वजनिक दुर्गा एंड काली पूजा के तरफ से ये हम लोग का दशमी का सबको शुभेच्छा। ये आज हम लोग के सिंदूर खेला, ये हम लोग के बहुत बड़ी एक रिवाज है। एक्चुअली हम लोग माँ को मानते हैं, माँ हम लोग को बेटी, घर के बेटी माँ मायके में आई है जो 4 दिन हम लोग के साथ रहती है, उसके बाद वो आज ससुराल चले जाएंगे। तो ये हम लोग का सबका रिवाज है, जब कोई भी हम लोग का घर का बेटी ससुराल जाते हैं उसको सिंदूर लगा के सुहागन की तरह हम लोग विदा करते हैं। उसी तरह माँ को भी आज हम लोग पूरा सुहागन की तरह उनको विदा करते हैं और उनके साथ हम लोग सबके ये सिंदूर हम लोग का सुहागन का जो निशानी है उसके सबके पति का लंबी उम्र, सब संतान के अच्छे के भविष्य के लिए हम लोग ये करते हैं। कास्ट का ही है, हम लोग का शारदीय दुर्गा पूजा है जो नवरात्रि भी करते हैं सब कोई, लेकिन फिर भी हम लोग सब सुहागन कर हम लोग को माँ का आशीर्वाद देंगे। 4 दिन तो बहुत हम लोग खुशी से आनंद से हम लोग नाचना कूदना, 4 दिन देखते देखते बीत जाता है और 4 दिन हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत मज़ा किए। आज माँ को विदाई देने में उतना ही तकलीफ हो रहा है, जब माँ निकल जाएगी सोना पंडाल ये भी एक मैंने हम लोगों को वो भी एहसास करना बहुत ख़राब लगता है कि 4 दिन हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं पूजा में, सबके साथ सब कोई मिलजुल के साल भर एक दूसरे के साथ मिले चाहे ना मिले, बाहर जो लोग भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं दुर्गा पूजा में, सब हम लोग एक साथ मिल